आज के इस वीडियो में हम बताने वाले नंबर सिस्टम का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा सबसे आसान तरीके से बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द इंट्स, यानी कि इन सभी को आपस में गुना कीजिए और अंतिम में कितने जीरो आएंगे। जैसे कि 1000, हम राइट करते 1000 तो 1000 के लास्ट में कितने जीरो, 3 जीरो। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर बोला जाए 1 × 10 × 10 को सबको गुना कीजिए और आप हमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे। तो 1 × 10 को गुना करेंगे तो 10 को 10 गुना करेंगे 100, यानी अंतिम जीरो कितने आ जाएंगे, 0। तो उसी प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है 1 को 2 को 3 को 4 5 और 700 तक हम जब गुना करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, वही हम तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसको और इसको भाग करेंगे, यानी कि 700/1 करेंगे। तो 700/1 अगर 1 करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 700 आएंगे। अब 700 आएंगे तो उसको क्या करने हैं, उसको 5 से डिवाइड करने, किससे, 5 से, ठीक है। अब 5 से तब तक डिवाइड करने जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाएगा, जब तक 5 से छोटा नहीं आएगा तब तक आपको भाग करना, और यहाँ पर भाग जो करेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू को लेना, पॉइंट के बाद को संख्या को हटा देना, पॉइंट के बाद को वैल्यू को हटा देना। यानी 7 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2, यानी 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 1 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, फिर से 5 लेना, क्योंकि अब भी यह 5 से ज़्यादा है। जब तक 5 से कम या 5 के बराबर ना आ जाए तब तक हम इसको छोड़ना नहीं, आगे बढ़ते चलना है। फिर से काटते हैं तो 5 दूना फिर से 10 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40। फिर से 5 भरा कर भाग करेंगे, क्यों भाग करेंगे, क्योंकि ये 5 से अभी भी ये बड़ा है, तो जब तक छोटा नहीं आ जाएगा तब तक भाग करते चलना। तो 5 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, पॉइंट के वैल्यू को छोड़ देना। फिर यहाँ 5 आ चुका, फिर से इसको भाग करना, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से हमारा 1 आ जाए। अब यह जो है 5 से छोटा हो चुका, अब यहाँ पर काम हमारा ख़त्म हो चुका। अब हमें क्या करना, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को 5 को 28 को और 140 को सभी को आपस में इंक्लूड कर लेना है, यानी कि 140 + 28 + 5 + 1 जब सभी को इंक्लूड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 174। यानी कि इन सभी संख्या को जब हम गुना करेंगे तो अंतिम में, जो अंतिम में आएगा 174 ठो क्या आएगा, 0 आएगा। यही आपका सही आंसर हो चुका है ना, काफ़ी गजब का ट्रिक। आइए उसी प्रकार से यहाँ भी बनाते दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 इस प्रकार से बढ़ते ही है, तो बढ़ गया है इस प्रकार से, कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, बनाएंगे यहाँ पर सेम थिंग से उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट कर देंगे। क्या डिफरेंट करेंगे इसके विषय में समझिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एक अंक छोड़ छोड़ के लिया गया है, यानी सम संख्या लिया। जब सम संख्या लिया गया तो पहला ट्रिक जो है, पहला रूल्स वही हमारा फ्लो करेगा। सबसे पहले पहली संख्या और अंतिम संख्या को हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब 90 को फिर से हम किससे भाग करेंगे, 5 से। पहली संख्या जो दिया रहेगा उसी से भाग करना, बाकी जितने भी संख्या आएंगी सभी को 5 5 5 5 से ही भाग करने। अब इसको भाग करते तो 5 एकम हमारा यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएंगे, 5 एकम 5 आ जाएंगे, और 5 8 कितना हो जाएगा, 40। फिर से 5 से यहाँ पर भाग करना, तो 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 3। 5 के भाग करेंगे 3। अब ये 3 जो है 5 से छोटा हो गया, अब यहाँ पर छोड़ लेना। अब छोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस संख्या को, इस संख्या, इन दोनों संख्याओं को ही सिर्फ प्लस कर लें, यहाँ पर 18 और +3। इस 90 को हमको प्लस नहीं करने, क्यों नहीं करने, यह सबसे बड़ी मुद्दे की बात यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिंग संख्या ली गई है।
जस्ट इसमें सारे संख्या को जोड़ दिए हमने, इसको भी इसको भी इसको भी, इस संख्या को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर लगातार थी, लेकिन यहाँ पर जो लगातार नहीं है एक एक छोड़कर, इसीलिए इस संख्या को हमको छोड़ लेने, बाकी संख्या को जो इंक्लूड करने, 18 और 3 को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों हमारा 21, यानी 21 ठो क्या होगा हमारा 0, यही आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक बार थम का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आइए इस पर कुछ आधारित और क्वेश्चन देखते हैं, जीरो पर आधारित कुछ और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 3, 6, 9, 12 .. 450 तक दिया गया, यहाँ भी संख्या को छोड़ छोड़ के किया गया, 3 है फिर डबलिंग है, 6 फिर 9 है फिर 12, यानी इसका जस्ट डबल होते गया, जब भी डबल होते जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी डबल होगा 3, 6, 9, 12 इस टाइप से जब भी डबल होगा तो उस कंडीशन पर बनाना क्या है, पहला और अंतिम को सबसे पहले भाग करना है, पहला और अंतिम को क्या करना है यहाँ पर भाग करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, भाग कर दिए, भाग करने के बाद तब तक लेना जब तक नहीं आएगा। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, फिर से भाग करेंगे किससे, अब 5 से, अब 5 से करना, पहला संख्या जो दिया रहेगा उसी से करना, बाकी संख्या को 5 से करना। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी 30, फिर से 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, फिर से 5 करेंगे, फिर से 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। अब इस कंडीशन पर क्या करना, इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को लेना, इस संख्या को नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिंग है, 3 है 6 है 9 है 12, इस प्रकार से अल्टरनेटिंग करके यहाँ पर लिया गया। तो जब भी इस टाइप का संख्या रहेगा तो इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ते हैं तो 30 और 6 = 36, 36 और 1 कितना हो जाएंगे 37, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल 0 जो कितना आ जाएंगे 37। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। आई अगला क्वेश्चन देखते, 110 का यह फैक्टोरियल कहलाता है, या फैक्टोरियल को हम लोग इस मूवमेंट से भी हम लोग लिखते हैं, तो आप इसे लिखिए या ऐसे लिखिए। अब इसको फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं इसके विषय में समझिए। इस फैक्टोरियल का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है 110 × 109 × 108 × …1, यही इसका फैक्टोरियल का अर्थ होता है, यानी कि आपको 1 से लेकर 110 तक का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो सिंपल सा तरीका, जो तरीका अपनाते, 110 को सबसे पहले 1 से भाग करिए, 110 को सबसे पहले क्या करिए 1 से भाग करिए, तो हमारा कितना आएगा 110। अब इसको 5 से भाग कीजिए, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22, 22 आएगा, फिर से 5 से भाग करना तो 5 × 4 कितने हो जाएंगे 20 आ जाएंगे। इस कंडीशन पर हमको क्या करने, इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को प्लस करने, यानी कि 22 + 4, तो 22 + 4 कितने हो जाएंगे 26, यानी 26 ठो 0 आएगा इसमें। जब भी इन सारे संख्या को गुना करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 26 आपको जीरो आ जाएंगे। तो है ना काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी गजब का ट्रिक। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आपके पास लाए, 76 फैक्टोरियल, 96 फैक्टोरियल और 162 का फैक्टोरियल, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का दिया गया है, तो सभी को जोड़ कर कैसे निकालते हैं सो देखिएगा। यहाँ पर आपको बता दें 76 का कहने का मतलब है कि अभी हमको आपको बताएं कि 76 कहने का 76, 75, 74 इस प्रकार से कितना एक तक जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 76 को 1 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 76। अब 76 को 5 से हमको भाग करना, तो 5 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75 आएगा। फिर इसको 5 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। अब इसका जब हम फैक्टोरियल लेंगे तो इस संख्या को जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे और यहाँ जो इस संख्या को नहीं लेंगे, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आएगा 15 + 3 बराबर हमारा जो संख्या जो निकल के आएगा कितने आएंगे 18 आ जाएंगे। अब हमें क्या करने हैं दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या को लेने, यानी कि 96 को, तो 96 को लेने, तो 96/1 सेम प्रोसेस हमारा जाएगा, 96/1 आएगा। अब 96 को हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 5 हमारा हो जाएगा, फिर 5 × 5 हो जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा कितना 19, 19/ कितना आ जाएगा 5, फिर 5 × 3 कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी कि 19 और 3 को इंक्लूड करने, यानी कि 19 + 3
सबको इंक्लूड करते हैं तो कितना आता है 19 और 3 आपका 22। उसी प्रकार से 162 का फैक्टोरियल, तो 162 का फैक्टोरियल को 1 से भाग करेंगे तो 162 ही हमारा आ जाएगा। उसके बाद 162 ही आ जाएगा, उसके बाद 5 से भाग करना है, तो 5 से इसको भाग करिएगा तो कितना आएगा 32, 32 को फिर से 5 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 को फिर से 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 1। अब 1 को 6 को और 32 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर देखिए कि इंक्लूड कैसे कर रहे हैं, 32 प्लस 6 प्लस 1, जब सभी को इंक्लूड करेंगे तो 32, 6, 38 और 1 39, यहाँ पर आ चुका 39। अब टोटल इसमें जीरो कितना आएंगे ये चीज़ ध्यान से देखिए, टोटल टोटल जीरो के लिए इन तीनों को आपस में प्लस कीजिए, यानी 18 प्लस 22 प्लस 39, जब सभी को जोड़ते तो आएगा कितना 79, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। है ना दोस्तों, काफ़ी गजब का ट्रिक, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक। अगर आपको हमारा ट्रिक पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए आने वाले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने के लिए।